देरा किन फकिंग रैप मिले व्यूज मर मर के, ये इंडस्ट्री है फेक, साथी बने पल भर के, पर हाथी जैसे याद रखी मैंने सबकी कसमें। I'll be honest, I'm just so so sick, sometimes I wish I was prospecting 06. चैनल गाना है ओजी बाय कृष्णा। मुझे तो मुझे बस इसे रैप्स की आदत हो गई है। मुझे लगता है कि रैप सुनूं, उस रैप्स पे रिएक्शन करूं, तो इस पे भी काफी ज्यादा रिकमेंडेशन थी। ओजी, नाउ द मीनिंग ऑफ ओजी इज, सोशल मीडिया में हम ओजी उसे बोलते हैं जो किसी काम में बड़ा ही यू नो मास्टर होता है, लाइक द ओरिजिनल गैंगस्टर। द फुल फॉर्म ऑफ ओजी इज ओरिजिनल गैंगस्टर, और ये एक रेफरेंस ही है, रेफरेंस के तौर पे यू वी कॉल इट। जैसे सपोज कोई इनकी बात करते हैं, लाइक कृष्णा ही इज सेवेज इन रैप, ठीक है, मस्त रैप करते, एक्सपर्ट है, तो वी कैन कॉल हिम ओजी ऑफ रैप। करते रिएक्शन स्टार्ट, ये ओजी में क्या होने वाला है। इससे पहले मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ सजाए मौत, और उसके साथ ही आई रिएक्टेड ऑन व्यंजन। भाई व्यंजन तो जस्ट दिमाग खराब हो गया था वो सुनने के बाद। अब ओजी गाना सुनेंगे क्योंकि इस पर रिक्वेस्ट काफी ज्यादा थी। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। कलम का मुझे अपने स्किल पे पर रखता हूँ दिल में क्योंकि मिलते नहीं answers। कभी कभी लगे that I'm burning out, but I keep on going cause I've started earning now। और ठंडा है दिमाग, cold मेरा दिल, at least if I go then they know I was real। इतने सारे लोगों की अपेक्षा है मुझ पे, बोझ जैसा क्यों लगने लगा मेरे कंधों पे। पहले ऐसा टाइम माना भी एक सपना था, आज सोचू ये टाइम क्यों देखा मैंने सपनों में। थक गया हूँ मैं प्रूव कर करके, there I can fucking rap मिले व्यूज मर मर के, ये इंडस्ट्री है फेक, साथी बने पल भर के, पर हाथी जैसे याद रखी मैंने सबकी कसमें। I'll be honest, I'm just so so sick, sometimes I wish I was prospecting 06। जब सपने थे दोस्त मेरे अपने थे, आंखों में थी चमक, now depression is a bitch। होती उनसे बात 6 महीने में एक बार, टाइम निकला जैसे लाइफ है एक रेस कार। सेव द मोमेंट, जिंदा रखो ख्वाब अपने, और खास लोगों को खास कर रखो पास अपने। पैसे का क्या फायदा when you die lonely? ये words from an OG, अपने खास रखो closely। ये words from an OG, हार मत मानना चाहे हो जाए जो भी। इस कला को दिया है मैंने बहुत कुछ, शायद देने को बचा नहीं है और कुछ, शायद और लिखूं तो नजर आएगा और तो। I'm scared of myself, I'll just end up being more shook। See, I'm telling you now, पहले करो rise, then they're tearing you down। You used to be the best, tell me where are you now? अगर गाना ना बनाऊं, will I be letting you down? Tell me। ये पल नहीं जाने वाला, शायद आज है पर कल नहीं आने वाला। पहले इच्छा थी मिले कोई जानने वाला, आज सोचू पहचान न ले सामने वाला। फिर भी लिखने से मिलता है सुख, और इस सुख में निकाले मैंने कुछ दौर। मैं तो छोड़ भी ना पाऊँ, अगर छोड़ना भी चाहूँ सिवाय रैप के, तो अब मुझे आता भी ना कुछ और। ये ना खेल, नो ESPN। Life is what you make it, word to SPM। हारना ना सीखा तो मानता डिफीट नहीं, सोचू इतनी दूर आया रुकना भी ठीक नहीं। आपका धन्यवाद इस सफर पे दिया साथ, अगर किया सफर then it's sorry from my heart। Save the moment, जिंदा रखो ख्वाब अपने, और खास लोगों को खास कर रखो पास अपने। Yeah, words from an OG, then I nail in these cold streets। Yeah, words from an OG, पैसे का क्या फायदा when you die lonely। Yeah, words from an OG, अपने खास रखो closely। Yeah, words from an OG, हार मत मानना चाहे हो जाए जो भी। Yeah, words from an OG, then I nail in these cold streets। Yeah, words from an OG, पैसे का क्या फायदा when you die lonely। Yeah, words from an OG, अपने खास रखो closely। Yeah, words from an OG, हार मत मानना चाहे हो जाए जो भी।
ओके तो ये रैप सुनने के बाद जो मुझे पर्सनली ऐसे फील हुआ कि हम लोग सिर्फ एक आर्टिस्ट को ना उसका उसका एंड का रिजल्ट देखते हैं, जब वो हिट हो जाते हैं, जब जब उनका काम बहुत सारे लोग एक साथ पसंद करते हैं ना, तब इंडिविजुअली हर कोई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर किसी को वो आर्टिस्ट दिमाग में रहने लगता है। जब कभी कृष्णा नए आर्टिस्ट आए होंगे और ऐसे ही किसी ने उनका रैप सुनने के लिए किसी बड़े बंदे को कहा होगा, किसी हाई अथॉरिटी को कहा होगा, तो किसी ने नहीं सुना होगा। बट नाउ जैसे धीरे 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 उनको ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, हर कोई उनके पीछे होगा। मैं वो चीज सोच रही थी कि कितना कितना स्ट्रगल रहता है एक गाने को आगे लाने के पीछे। ये गाना भी नहीं, रैप, रैप को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग इंडिया में, खासकर रैप कल्चर काफी कम एक्सेप्ट हो रहा है, बट थैंकफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, लोगों को रैप पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नई नई चीजें आती रहनी चाहिए, और यार अगर इतने टैलेंटेड लोग हमें इसी फील्ड में मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी कृष्णा को नहीं जानती थी, यू नो व्हाट आई मीन से पहले, यू नो व्हाट आई मीन बाय करण औजला। इस गाने को सुनने के बाद ही मैंने इन्हें जाना, आप लोग ने सजेस्ट की रैप्स मुझे इनके सुनने के लिए, मैंने और सुने तो उससे लगा दिस मैन इज सो 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 नाइस। इसमें वो बात हो रही थी कि मन नहीं करता गाना रिलीज करने का, शब्द है लिखता जरूर हूं अपना मन हल्का करने के लिए, आर्ट सेंस नहीं मिलता। आई मीन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू वांट मनी, जिंदा रहने के लिए सिर्फ नाम और तारीफें काफी नहीं है, आपको ऐसा भी चाहिए। तो जो दिल में था स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, हमें सुनाया, और वो सुन के इतना सही लगा, जिसमें वो लाइन आ रही थी कि अपने खास रखो पास, खास लोगों को अपने पास रखो। कुछ नसीहतें दी गई इस गाने में, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए गए, कुछ अपना स्ट्रगल बताया गया। इसकी जो हुक लाइन थी वर्ड फ्रॉम एन ओजी जो था कि पैसे से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मरना है लोनली, इट वॉज नाइस सॉन्ग। ये कुछ ऐसा था जो शायद सीधा दिल पे हिट करेगा। इट वॉज नाइस सॉन्ग, नाइस रैप दो। कैसा लगा आपको रिएक्शन जरूर बताना कॉमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।